नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारियां लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं? नॉर्वे में सतह से 5.5 मीटर नीचे एक रेस्टोरेंट जो आपको समुद्र के नीचे के अजूबों से परिचित कराता है। लिंडसेनेस के बर्फीले पानी में आधा डूबा हुआ रेस्तरां आपको सतह से 5 मीटर नीचे भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें 495 वर्ग मीटर की कुल जगह है जो 3 स्तरों में फैली हुई है, जो एक बड़ी ओक सीढ़ी से जुड़ी हुई है। अंडर का असली नायक पैनोरमिक एक्रोलिक कांच की खिड़की है जो 11 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची है और रेस्तरां की दीवार की लंबाई को कवर करती है। सी बेड का दृश्य समुद्र के लिए एक दृश्य प्रवेश द्वार प्रदान करता है और मेहमानों को बाहर के वन्य जीवनों से जोड़ता है। यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर के अन्यथा दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में लेने का अवसर प्रदान करता है। इसके भौगोलिक संदर्भ और जलीय पड़ोसियों के लिए संवेदनशील विचार के साथ डिजाइन किया गया है। समय के साथ संरचना अपने समुद्री पर्यावरण का हिस्सा बन जाएगी क्योंकि कंक्रीट के खोल की खुरदरापन एक कृत्रिम चट्टान के रूप में काम करेगी। एक धंसा पेरिस्कोप की तरह रेस्तरां की विशाल एक्रेलिक खिड़कियां समुद्र के किनारे का दृश्य प्रस्तुत करती है। रेस्तरां के निर्माण में लगभग 7 मिलियन यूरो की लागत आई थी और 2 नॉर्वेजियन भाइयों स्टिग और गोते उबास्ताद द्वारा तो पोषित किया गया था। दूसरा, दोस्तों क्या आपने ग्लास से बने वाटर बैग के बारे में सुना है? वॉशिंगटन स्थित कलाकार डायलन मार्टिनेज ने अपनी अति यथार्थवादी ग्लास उड़ा पानी की थैलियों की श्रृंखला के साथ मानवीय धारणा की सीमा की पड़ताल की। पहली नज़र में आप सोच सकते हैं कि ये चित्र पानी से भरे साधारण प्लास्टिक बैग के हैं, हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वे कांच के बने होते हैं। ग्लास मेकिंग में पारंपरिक तकनीकों से प्रभावित होने पर मार्टिनेज सामग्री को पूरी तरह से बदलने के लिए अम्वाट गोर्डे दृष्टिकोण में रुचि रखता है जो अस्पष्टीकृत हो जाता है। कलाकार का काम धारणा के हेरफेर के माध्यम से दर्शकों की अपेक्षाओं को चुनौती देता है। बैग के रूप के साथ संयुक्त रूप से बढ़ते बुलबुले की स्पष्ट रूप से फंसी हुई गति आंख को आश्वस्त करती है कि मूर्तियां वैसी ही है जैसी वे दिखाई देती है। लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम वजन वाली ये अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी कांच के टुकड़े फंसे हुए बढ़ते बुलबुले लहर जैसी क्रीज और हाथ से बंधे हुए गांठों से परिपूर्ण है। काम नाजुक गोबेल्ट बनाने की तकनीकों को उन तरीकों से जोड़ते हैं जो बैग के भारी सुपर सॉलिड बेस को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, दोस्तों क्या आप स्टेनोकॉर्पस सिनुअटस के बारे में जानते हैं? इसे फायरव्हील ट्री के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटेसी परिवार में एक ऑस्ट्रेलियाई वर्षावरण वृक्ष है। यह एक मध्यम से बड़ा पेड़ 40 मीटर तक लंबा और ट्रंक व्यास में 75 सेंटीमीटर, छाल भूरे भूरे रंग की होती है, चिकनी और अनियमित नहीं होती है। बेलनाकार ट्रंक का आधा निकला हुआ किनारा है। सजावटी फूल चमकीले लाल रंग के होते हैं जो गोलाकार होते हैं, इसलिए इसका नाम फायरव्हील ट्री पड़ा। फूल ज्यादातर फरवरी से मार्च के बीच बनते हैं। फल एक कूप है नाव के आकार में 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा, अंदर कई पतले बीज 12 मिलीमीटर लंबे होते हैं। फल जनवरी से जुलाई तक पकते हैं। पत्तियां वैकल्पिक और आकार में परिवर्तनशील सरल या पिनाटिफेड पत्ती मार्जिन लहराती है। 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा पत्ती का शिरा परक पत्ती के ऊपर और नीचे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चौथा, 28 जून 2008 को दुनिया के पहले गर्भवती पुरुष थॉमस ने एक लड़की को जन्म दिया था। दोस्तों थॉमस बीटी एक अमेरिकी सार्वजनिक वक्ता, लेखक और ट्रांसजेंडर और कामुकता के मुद्दों के वकील हैं, जो ट्रांसजेंडर प्रजनन क्षमता और प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
बीटी 1997 के शुरुआत में एक ट्रांस पुरुष के रूप में सामने आया। बीटी की मार्च 2002 में लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी हुई और 2007 में कृत्रिम गर्भाधारण के माध्यम से गर्भवती होने के बाद उन्हें गर्भवती पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। बीटी ने मां बनना चुना, वह गर्भवती था क्योंकि उसकी पत्नी नैंसी बांज थी, दान किए गए शुक्राणु के साथ ऐसे कर रहा था। बीटी ने अप्रैल 2008 में ओपरा विनफ्रे शो में टेलीविजन पर अपना पहला प्रदर्शन 1 घंटे का विशेष साक्षात्कार किया। शो के दौरान उन्होंने अपने पुरुष लिंग पहचान से स्वतंत्र बच्चे को जन्म देने के अपने प्रजनन अधिकार के बारे में बात की। बीटी ने जून 2008 में अपने पहले बच्चे बच्ची सुजान को जन्म दिया। पांचवा, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी के अलग अलग सैल्यूट क्यों होते हैं? एक सलामी सैनिकों के बीच सम्मान और विश्वास का एक संकेत है जो उनकी हमेशा चमकती वर्दी में गर्व को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ उन्हें यह सब याद दिलाते हुए अपनी आंखों में ऊंचा करता है जो पेशे और शिष्टता और शिष्टाचार की परंपराओं से निहित है। भारतीय थल सेना में हथियार हाथ से खुली हथेली के इशारे से उंगलियों और अंगूठे को एक साथ रखकर और मध्यमा उंगली लगभग टोपी या भौं को छूकर सलामी दी जाती है। यह न केवल कर्मियों के बीच विश्वास स्थापित करता है बल्कि यह भी साबित करता है कि सलामी देने वाला कोई बुरा इरादा नहीं है और ना ही कोई हथियार छिपा है। भारतीय नौसेना में एक सलामी दी जाती है जिसमें हथेली माथे से 90 डिग्री के कोण पर जमीन की ओर होती है। मूल रूप से इसके पीछे का कारण नाविकों के हाथ छिपाना है जो जहाज पर काम करते समय तेल या ग्रीस के कारण गंदे हो जाते हैं। मार्च 2006 में भारतीय वायुसेना ने अपने कर्मियों के लिए नए सलामी मानदंड जारी किए। इस नए सलामी में हथेली को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर और दाहिने हाथ को कम से कम संभव तरीके से सामने से तेजी से उठाया जाता है। यह सेना और नौसेना की सलामी के बीच का मध्य मार्ग है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत किया गया था। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।